वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? वैसे तो मैं व्लॉग के फर्स्ट में ही बता देती हूँ कि व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है, बट आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी था, तो उसमें मैंने बताया नहीं है। और अब मैं अभी बज रहे शायद 4-4:30 बज रहे, अब मैं फ्री हुई हूँ और अब मैं नहा के आई हूँ और अभी भी पीछे तो कपड़े आपको दिख ही रहे हैं। तो जो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली जो सर्दियों की समाप्ति वाला सीन है, मतलब सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब ज़रूरत भी नहीं लगती। इवन पहले मॉर्निंग में भी थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ ठंड सी लग रही है, हवा लग रही है, बट अब तो मॉर्निंग में भी गर्मी लगती है। तो मम्मा ने कहा था कि सारे जो कपड़े हैं ऊनी कपड़े हैं वो अभी तक मैंने धो के तो पहले ही रख दिए थे, अब बस उसको अलग करके और बक्स में रखना है। तो आज जो भी सारा जो कारपेट थे, टाइल्स वगैरह गलती थी इसलिए कारपेट बिछा रखे थे पूरे घर में, तो कारपेट वगैरह धोए हैं, साथ में जो रजाई होती है उनके सारे कवर वगैरह, सारे ऊनी कपड़े, चटाइयाँ, सारी जो चीज़ें थी सब आज सबका आज धोबी घाट लगा था। तो मम्मा ने और मैंने मिल के धोए थे सारे। मम्मा शादी में चली गई, मम्मा को बारात में जाना था तो मम्मा वहाँ चली गई है। और बस अब मैं फ्री होके जो डेली के जो कपड़े होते हैं वो मैं धो के और अब आई हूँ और मैं नहा के आई हूँ। ये देखो आज मैं इसको वापस से जो समर वाला कलेक्शन है वो निकल गया है, तो इसको नया नया लग रहा है सब कुछ। अब बस समर वाला जो पहले मैंने पैक कर रखा था अब उसको मैंने निकाल लिया है और अब बस विंटर वाले वापस जमा के मुझे रखना है। तो आज का पूरा व्लॉग है वो इसके रिलेटेड है, चलिए दिखाते हैं आपको। अच्छा सबको गुड मॉर्निंग तो बोलो, इधर इधर एक बारी। अच्छा जल्दी से गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? जय श्री राम आप सबको। बस मेरी मॉर्निंग ऐसी होती है, पहले मैं इसको बहुत देर तक एटलीस्ट 5 मिनट तक इसको ऐसा लिख के सारे घर में घुमा के आऊँगी, बालकनी वगैरह में सब में कुछ इसको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ यार ये कौन जा रहा है, तब उसको थोड़ा देखेंगी, फिर धीरे धीरे उठेगी और फिर इसका डर शुरू होगा। अगर मैंने उसको ऐसे ही उठा दिया तो ये चिड़चिड़े होके फिर ये रोने लग जाएगी, फिर सारा दिन रोएगी। ये हमारा पूरा जो भ्रमण है हम घर का करके आ गए, ठीक है? क्या क्या देखा मेरे बेटे ने? सूर्य नारायण को राम राम किया था ना, वो पहले गई दादी के पास, फिर दादी के साथ खेली, फिर दादू के साथ, फिर बुआ के साथ, और बस अब सारी नींदी उड़ गई ना, अब चलें नहाने। नहा के फिर कहाँ जाना है जल्दी से बता दे, स्कूल चलेंगे ना, बच्चे आ गए, स्कूल के बच्चे आ गए। स्कूल नहीं जाना, नहा के बोले कहीं पे ले चलो, स्कूल नहीं जाना, वो बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं बच्चों के साथ, अपने बेटा भी तो जाएगा ना, वो फिर दीदी को भी उठाएंगे, जब पहले तू रेडी होके जाएगा उसके बाद दीदी रेडी होके जाएगी, ठीक है? चलो चलते हैं स्कूल में, चलो। आंटी से राधे राधे बोलो ना, राधे 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 राधे, जोर से बोलना राधे 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 राधे। चलो ठीक है, आप अपनी मैम के पास जाओ। गुड मॉर्निंग, चलो बेटा। तो हाँ आज का दिन ना धोबी घाट लगने वाला है, ये ना सारी सर्दी में ना ये कारपेट बिछी थी पूरा, टाइल्स वगैरह गलती है ना, अब गर्मी आ गई है तो आज ना सारे ऊनी कपड़े हटा रही हूँ जो सबको हैं, धो के और अंदर बिछा रही हूँ उन कारपेट को भी ना एक बार धो के और फिर बाद में मैं डालूँगी। फिर कारपेट को धोना इतना आसान नहीं है, तो पहले उन कारपेट को धो के उनके ऊपर सर्फ डालूँगी, फिर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब अच्छे से इसके ऊपर जो भी चिपक रहा है वो हो जाएगा, उसके बाद कुछ अगड़ के और फिर धोना है, उसके बाद निकालने ऊनी कपड़े। आज बहुत सारा काम है धोबी घाट वाला। ये देखो ये स्कूल से ना जो बंक मार के आ गई है, क्या हुआ मुझे पता, क्या हुआ? गर्म लग रहा है, ओहो हो गर्मी आ गई, गर्म लग रहा है, तो चप्पल पहन के आना था ना, ऐसा अगर गर्म लग रहा है तो इस कारपेट पर खड़ी हो जा, यहाँ पर गर्म नहीं लगेगा, ठीक है? मम्मा की हेल्प कराएगा कि कारपेट धोने में? मैम ने भेज दिया क्या तेरे को कि जाओ, गीला हो रहा है सब। मैंने इस पर ना जो सर्फ फैला दिया है थोड़ा थोड़ा, एक बारी ब्रश रगड़ दिया है, मैं उसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी ऐसे, फिर चलती हूँ मैं, वो वहाँ पर घूम रही है, उसको वापस स्कूल छोड़ के आना है, पापा के स्कूल होना भी एक अलग ही वो है। आ जा मनीषा, आ जा। इन दोनों नंगू पंगू को नहलाने के लिए ना ऊपर लाए थे, ये देखो मम्मा ना अंदर कपड़े धो धो के मम्मा दे रही है, मैं बाहर बड़ा इन दोनों टब में चकोल चकोल के और फिर मैं सुखा रही हूँ, और अब फाइनल बारी आई है हमारे ना ये कारपेट की,
एक बारी मैं रगड़ चुकी हूँ, दूसरी बार बस अच्छे से धो के और इनको सुखाना है। वो देखो उनकी अलग ही मस्तियाँ चल रही हैं। इसकी दादी और मैं रगड़ते ना थक गए ना, ये आगे मम्मा मैं रगड़ूंगी। छाप छाप कर दिया मैं बेटे ने, नहीं करा, अच्छे से रगड़ो जल्दी से। इतना बहुत ज़्यादा भारी हो गया था गिला होने के बाद, तो बस हमने उस पर डाल के अब ये जो आपने देखा होगा ना ऊपर बन रही है उसके ऊपर डाल के और अब बस पानी से इसको ऐसे झकोल रहे हैं तो निकल जाएगा ये कारपेट, ये रजाई के कवर, ये बेडशीट, चटाइयाँ, आज सबका ना सबका नंबर आ गया, सब उन्हीं कपड़े हैं, मुझे नहीं लगता आज कर पाएंगे। और ये फाइनली उसका नहाने का नंबर आ गया। नहीं तो कैसा लग रहा है? उसको नहीं नहाना, वो बहुत देर हो गई उसको नहाते नहाते। नहा ली है और ये देख रही है अपना फेवरेट वाला कार्टून और ये है इनकी फेवरेट वाली नमकीन। अभी फाइनली ये जो गर्म कपड़े थे सर्दियों के सारे मैंने निकाल दिए, इसमें से मेरे को जो गर्म कपड़े हैं वो अलग करने हैं, दूसरे कपड़े अलग करने हैं, उसके बाद गर्म कपड़ों को एक बैग में भर कर जो स्टोरेज वाला बेड है ना उसमें डालना है। ये मेरे जो स्टोरेज करने के लिए अलग से मैंने रखी हुए हैं, बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, ये छोटी छोटी बास्केट हैं, सारे मोस्टली बच्चों के कपड़े हैं, शॉल हैं, गर्म कपड़े हैं। वो ना रोज की ना जो उसको मनाने गई है, लाडो उसको लेके आते, सिस्टर को लेके आ।